लगातार विमानों के अंदर हादसे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और इन हादसों के पीछे की वजह है लापरवाही। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बातचीत करें तो एक ही दिन के अंदर स्पाइस जेट के दो बड़े हादसे होते होते टल गए हैं। जी हां, हवा के अंदर विंडशील्ड उड़ गई, पहला तो यह हादसा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दुबई जाने वाले विमान के अंदर भी एक और हादसा हुआ, जिसे तुरंत प्रभाव से कराची जो पाकिस्तान के अंदर है वहां पर लैंड कराना पड़ा है। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से विमान के अंदर लगातार यह घटनाएं होने के मामले सामने आ रहे हैं। स्पाइसजेट विमान के साथ मंगलवार को एक के बाद एक दो हादसे होते होते रह गए। पहला मामला सुबह का है, जब दिल्ली से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान की कराची में लैंडिंग करानी पड़ी थी। दूसरा मामला कांडला से दुबई जा रहे विमान का है। ये विमान अभी उड़ा ही था कि हवा में करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर इसके विंगशील्ड आउटर पैन में दरार आ गई। हालांकि विमान को मुंबई में सुरक्षित उतार दिया गया और पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी की यह 7वीं घटना है। DGCA के मुताबिक स्पाइसजेट के Q400 विमान में 23,000 फीट की ऊंचाई पर विंगशील्ड में दरार आ गई थी और इसके बाद में तत्काल कांडला मुंबई फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराने का निर्णय भी लिया गया। पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी का यह 7वीं घटना है। DGCA के मुताबिक अधिकारियों ने मंगलवार को हुई दोनों घटनाओं की जाँच भी शुरू कर दी और इसके अलावा पिछली 5 घटनाओं की भी जाँच की जा रही है। फिलहाल देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।